तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं, क्योंकि जब ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं, जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्टावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी। अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 100 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb के साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं, क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं, जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्टावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है स्नूप डॉग ने, स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है माया रूडोल्फ ने, बर्न को अपनी वॉइस दी है बैन स्कावर्ट्स ने, स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है माइक बेल ने, वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रुडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप Netflix पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है, पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है, सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है, माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है, स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है, माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है, बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है, माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं। जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट $127 मिलियन का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग $282.6 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है, पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है, सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है, माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है, स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है, माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है, बैन स्टावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है, माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल गियामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बेन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूजिक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल गियामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी। अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है, साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप जरूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूजिक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीमवर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप Netflix पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बेन स्टूवर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने मूव को अपनी वॉइस दी है माया रुडोल्फ ने, बर्न को अपनी वॉइस दी है बैन स्कावर्ट्स ने, स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है माइक बेल ने, वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रुडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट साइगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रुडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी, एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बेन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रियान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है, पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है, सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है, माइकल पैना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है, स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है, माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है, बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है, माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप जरूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप Netflix पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं। जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी के डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बेन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बेन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके कैरेक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी। अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है, साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल गियामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टूवर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल गियामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्टूवर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट साइगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहले लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb के साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्टावर्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब कि टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाए गैगने को अपनी वॉइस दी है स्नूप डॉग ने, स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है माया रूडोल्फ ने, बर्न को अपनी वॉइस दी है बैन स्कावर्ट्स ने, स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है माइक बेल ने, वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी। अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी, एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप जरूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप Netflix पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूजिक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्कस एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रुडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके करैक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्कस एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb के साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्कस एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के करैक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पेना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रुडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्कावर्ट्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने। एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th सेंचुरी फॉक्स ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट 127 मिलियन डॉलर का रहा था, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग 282.6 मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है। पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है। सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है। माइकल पेना ने टीटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है। बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है। स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है। माया रुडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है। बैन स्कावर्ट्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है। माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके कैरेक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है। काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में, एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो। काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मूवी के बारे में। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग टर्बो मूवी को आज भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी लोग टर्बो मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि जब यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी बड़ा हिट गया था। काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो अगर आप भी 2013 में रिलीज़ हुई टर्बो मूवी को देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले मूवी रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टर्बो मूवी को आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताने वाले हैं कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि ये एक कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। सो वॉइस आर्टिस्ट की बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किस करैक्टर को वॉइस दी है। साथ ही में बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में, राइटर के बारे में, फुल डिटेल में इस मूवी की टीम के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि कितना बजट में टर्बो मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। सो फुल डिटेल में रिव्यू आपको टर्बो मूवी का इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले टर्बो मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड सोरेन ने। डेविड सोरेन एक कनेडियन डायरेक्टर, वॉइस एक्टर एंड राइटर हैं जिन्होंने कि ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। स्क्रीन प्ले लिखा है टर्बो मूवी का डेविड सोरेन ने, डैरन लेम्के ने एंड रॉबर्ट सैगल ने। स्टोरी लिखी है टर्बो मूवी की डेविड सोरेन ने। प्रोड्यूस किया है टर्बो मूवी को लीसा स्टीवर्ट ने। एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो टर्बो मूवी में लीडिंग रोल में रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि उनकी वॉइस आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स में सुनने को मिल जाएगी। उसके आगे पॉल ग्यामाटी देखने को मिल जाएंगे, माइकल पैना की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, स्नूप डॉग की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, माया रूडोल्फ की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, बिल हैडर की वॉइस सुनने को मिल जाएगी, लुइस गैजमैन की वॉइस सुनने को मिल जाएगी एंड बैन स्चावर्ड्स की वॉइस भी आपको इस मूवी में सुनने को मिल जाएगी। सिनेमाटोग्राफी की है टर्बो मूवी में क्रिस स्टोवर ने और एडिट किया है इस मूवी को जेम्स रयान ने। इस मूवी का म्यूज़िक किया है हेनरी जैकमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं टर्बो मूवी के ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया 20th Century Fox ने। इस मूवी का रिलीजिंग डेट 17 जुलाई 2013 था और रनिंग टाइम है टर्बो मूवी का 96 मिनट्स। बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो टर्बो मूवी का बजट $127 मिलियन का रहा था और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी ने लगभग $282.6 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वॉइस कास्ट की बात की जाए तो सबसे बड़े लीडिंग रोल में रायन रेनॉल्ड्स ने थियो मतलब के टर्बो के करैक्टर को अपनी वॉइस दी है, पॉल ग्यामाटी ने चैट को अपनी वॉइस दी है, सैमुअल एल जैक्सन ने विप्लैश को अपनी वॉइस दी है, माइकल पेना ने टिटो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, लुइस गुजमैन ने एंजिलो लॉपस को अपनी वॉइस दी है, बिल हैडर ने गाय गैगने को अपनी वॉइस दी है, स्नूप डॉग ने स्मूव मूव को अपनी वॉइस दी है, माया रूडोल्फ ने बर्न को अपनी वॉइस दी है, बैन स्कावर्ड्स ने स्किड मार्क को अपनी वॉइस दी है, माइक बेल ने वाइट शेडो को अपनी वॉइस दी है। सो ये एक्टर्स ने अपनी वॉइस इनके कैरेक्टर्स में दी है। उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो टर्बो मूवी एक 3D कंप्यूटर एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवी है, काफ़ी पसंद है आपको आएगी अगर आपको 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है एंड ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस मूवी में किया है। डेविड सोरेन की कमाल की डायरेक्शन देख सकते हो इस मूवी में एंड कमाल का कंप्यूटर एनिमेशन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी एंड 2013 की बड़ी मूवीज़ में टर्बो मूवी का नेम भी आता है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की, आप ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी पसंद आपको यह मूवी आने वाली है। IMDb की बात की जाए तो टर्बो मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लगभग 1,02,700 लोगों ने इस मूवी को वोट्स भी किया है। पॉजिटिव रिव्यूज़ आप IMDb की साइट पर पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आप टर्बो मूवी देख सकते हो। सो इस मूवी को देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, साथ ही के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी आप टर्बो मूवी को देख सकते हो। सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।